सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों अकाउंट्स में अगर डिफरेंस किया जाए तो कौन सा किसका सर्विस बेस्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का? देखिए, मैं आज यही आपको लोग को क्लियर कर जा रहा हूँ कि इन दोनों में से बैंक में से अगर आप एक नया अकाउंट ओपन करवाने जा रहे थे ऑनलाइन, दोनों का ऑनलाइन प्रोसेस अकाउंट वीडियो के वैसे अकाउंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है 2 साल का एक्सपीरियंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 3-4 साल से ज़्यादा ही का मतलब एक्सपीरियंस है। तो इन दोनों बैंकों में से कौन सा बैंक बेटर है जिसमें आपको एटीएम कार्ड, चेक बुक से लेकर यूपीआई फैसिलिटी तक सभी फैसिलिटी में आपको रेकमेंड किया, मतलब बहुत बढ़िया सर्विस कौन सा बैंक देती है? तो ऐसे में मैं बात करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी कि आप अगर ऑनलाइन थ्रू ओपन करवाते हैं जीरो बैलेंस। वहीं अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो इसमें आपको 1000 से 2000 रुपये मेंटेन करना पड़ता है। जिन्होंने वीडियो के बेचे अकाउंट को ओपन किया था 2000 जो रुपये कटा था, आप लोग का यही मतलब सवाल का जवाब भी है कि आपका 2000 जो रुपये कट रहे हैं वो एक मेंटेन बैलेंस अकाउंट कट रहे हैं, यानी कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं लिंक के थ्रू वो 2000 रुपये आपका बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। वहीं SBI में अगर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाते हैं आपको 1 रुपया भी मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, 1 रुपया भी ना ही आपका SMS चार्ज कटेगा, ना ही GST कटेगा, ना ही ATM कार्ड का फर्स्ट टाइम चार्ज कटेगा। वहीं अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप अकाउंट ओपन करवाते हैं इसमें ATM कार्ड इशू से लेकर ATM कार्ड ईयरली फीस से लेकर ATM कार्ड चार्ज से लेकर टोटल काटा जाता है। वहीं SBI की बात करें तो SBI में मैंने ATM से कैश विड्रॉ काफ़ी हद तक कम ही किया था, लेकिन अभी तक इसका चार्ज नहीं कटा गया है, लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, अभी तक 1 रुपया भी चार्ज इसका फालतू चार्ज नहीं कटा है, उल्टा मुझे बल्क पॉइंट मिला। यानी कि बल्क पॉइंट क्या होता है, जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे आपका यहाँ UPI से मैंने ट्रांजेक्शन किया था, उस ट्रांजेक्शन पे आपको एक पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं बैलेंस में। तो मैंने बैलेंस कन्वर्ट किया था, उसमें मुझे 11 रुपये का कैशबैक मिला था, यानी कि बल्क पॉइंट बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में चला आता है जब आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के वाइज होता है। उसके बाद जब इसमें 2 लाख तक का ट्रांजेक्शन लिमिट रहता है, आप एक दिन में 2 लाख तक कहीं भी सेंड कर सकते हैं नेट बैंकिंग के जरिए, UPI के जरिए, या UPI के जरिए 1 लाख कर सकते हैं, और या इनके जो योनो एप्लीकेशन है योनो SBI वो काफ़ी बेटर है। वहीं अगर सेंट्रल बैंक की बात की जाए तो इनका पुराना ओल्ड मॉडल ही वर्जन ऐप अभी तक पड़ा हुआ है, जिसमें मनी ट्रांसफर से लेकर ATM कार्ड अप्लाई से लेकर होता है, लेकिन इनका ATM कार्ड भी डिले है। वहीं SBI का ATM कार्ड 7 से 15 दिन में आपके घर के पते पर KYC एड्रेस पर पहुँचाया जाता है इंडियन पोस्ट के जरिए, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको ट्रैकिंग नंबर भी प्रोवाइड करती है, यानी कि ट्रैक कर सकते हैं आपका ATM कार्ड कहाँ पहुँचा है, किस स्थिति में है। और वहीं स्टेट बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको कोई भी ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप अपना खुद का ATM कार्ड भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों के सर्विस में से मुझे बेस्ट लगा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रोसेस से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, मतलब अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, इंस्टेंट आपको अकाउंट नंबर भी मिलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। वही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वीडियो के वैसे अकाउंट ओपन होने में 3 से 4 महीने का समय लग जाता है, उनका ATM कार्ड भी जल्दी प्रोवाइड नहीं होता। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपन करवाइए। क्या आई होप कि छोटी सी वीडियो चलेगी, वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी सवाल हो कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।